श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सायराम। नमस्ते दोस्तों, मैं समर राय आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आज का टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक मोनोफाइल टू स्टीरियो फाइल। तो इस सप्ताह में हम लोग देखेंगे जो ये जो मोनोफाइल जो तो है इसको हम कैसे स्टीरियो फाइल में रूपांतरित करें। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इसका ट्यून कैसा लगता है। आप देख रहे हैं इसमें जो जो दो गिटर्स हैं, गिटर स्टक दोनों मोनोफाइल में बज रहे हैं। ये भी एक मोनोफाइल गिटर और इधर भी एक मोनोफाइल, लेकिन हम लोगों ने इसको एक्सट्रीम राइट कर दिया और इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट कर दिया है। लेकिन अब आपको अगर लगता है कि इसको अगर हम स्टीरियो बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो ट्रैक है पहले दो ट्रैक को सिलेक्ट कीजिए। तो आप तो जानते हैं कि हम लोगों ने इसका पहले से 30 मिली सेकेंड स्ट्रिप कर रखा है, नीचे वाला जो जो ऑडियो ट्रैक है गिटार ट्रैक, तो इसको पहले हमने ड्रिप्ट किया था 30 मिली सेकेंड्स। और इसको हम अगर स्टीरियो फाइल बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो फाइल है दो फाइल में बिल्कुल इसके नीचे एक फाइल में आपको लाना पड़ेगा। लेकिन ये दो जो मोनोफाइल है इसको अगर आप स्टीरियो फाइल बनाने जाएंगे तो आपने यहाँ पे इसका जो मिक्स विंडो में जो प्लगइन दे रखा है ये प्लगइन लेकिन काम नहीं करेगा, मतलब उस टाइम स्टीडियो फाइल में काम नहीं करेगा अगर ऐसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया तो। लेकिन आप अगर इस ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते वक्त उसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कमिट कर दीजिए, इसको भी कमिट कर दीजिए, तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा कमिट ट्रैक्स, इसमें सेंट एंड ग्रुप असाइनमेंट्स ये सब कुछ रहेगा यहाँ पे, और उसको कमिट कर दीजिए। वैसे ही तो एक कमिट हो रहा है देखिए, और जब एक कमिट हो रहा है तो पूरा जो प्लगइन्स था उसमें उस प्लगइन्स को लेके वो कमिट हुआ। देखिए इसका एक कमिटेड जो गिटार ट्रैक यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो गिटार ट्रैक था इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो इसमें क्या है देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसमें ये जो प्लगइन लगा हुआ था ये प्लगइन लेकिन कमिटेड होने के बाद यहाँ पे आके पहुँच गया है, कमिटेड होने के बाद यहाँ पे आके पहुँच गया है, लेकिन इसमें कोई प्लगइन नहीं है, फिर भी आपको वो प्लगइन वाला टोन आपको मिलेगा, इसीलिए डिलीट कर दीजिए। और जैसे कि उसका जो तीसरा ट्रैक था ये वाला जिसमें प्लगइन्स है, इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे। देखिए गिटार जो कमिटेड है ये डुप्लीकेट है, इसको भी हम कमिट कर देंगे, कमिट कर दीजिए। तो जैसे कमिट करेंगे वो प्लगइन लेके पूरा प्लगइन के साथ वो मतलब रेंडर हो गए, कमिट हो रहा है। जैसे कमिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट और एक दूसरा ट्रैक में आ जाएंगे वो, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट कर देंगे तो ये सिर्फ आपके सामने दो कमिटेड ट्रैक यहाँ पे खड़ा रहेगा सामने, और इसको सुनिए सेम चीज़ आपको मिलेगा, सेम टोन आपको मिल रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई प्लगइन्स है ही नहीं। मतलब अभी दो ट्रैक को हम क्या करें, ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी दबा के एक बार ग्रुप कर लेते हैं, उसमें क्या होगा लेवल आप कम ज्यादा कर सकते हैं एक साथ। देखिए ग्रुप कर लिया तो जितना हमको चाहिए उतना हम कर सकते हैं इसका लेवल, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेशन था इसलिए ऑटोमेशन हो रहा है, मैं इसको ऑफ कर दिया है, मान लीजिए 9.1 ऐसा कुछ रखा मैंने, ये सब कुछ लेवल रखा है। लेकिन ये दो जो ट्रैक बज रहा है यहाँ पे ये कम्प्लीटली मोनो पे बज रहा है, समझे ना, दो मोनो ट्रैक बज रहा है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि इसको स्टीरियो करें। अगर स्टीरियो फाइल करेंगे तो वो काउंटिंग में थोड़ा सा कम होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बिल्कुल बगल में, इसका बिल्कुल बगल में हमको और एक न्यू ट्रैक लेना पड़ेगा जो कि उसका जो कैरेक्टर जो है वो स्टीरियो कैरेक्टर होगा, ऑडियो ट्रैक है और सैम्पल्स के सैम्पल्स रहेगा। क्रिएट कर दीजिए तो यहाँ पे एक ऑडियो ट्रैक बन गया, यहाँ पे स्टीरियो गिटार, यहाँ पे स्टीरियो गिटार आप लिख दीजिए। अब देखिए वहाँ पे जाके ये जो स्टीरियो गिटार ट्रैक है इसमें, लेकिन आपको ये दो ट्रैक को लाना पड़ेगा, कैसे, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए
और अगर ग्रुप है तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, अगर ग्रुप नहीं है जैसे मान लीजिए कि मैं इसको अनग्रुप करता हूँ पहले, अगर ग्रुप है तो एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएगा, अगर ग्रुप नहीं किया आपने तब भी आपको ये फलाना ऐसा स्टाइल अपनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिर्फ दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए, और इसके साथ साथ हैंड टूल से ये विंडोज़ दबाते हुए इसको बिल्कुल नीचे ड्रैग कीजिए, जो स्टीरियो गिटार वाला जो ट्रैक था। अब ये क्या हो गया, अब एक स्टीरियो फाइल बन गया है, लेकिन अभी भी ये फाइनली स्टीरियो फाइल नहीं बने। इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी दो ट्रैक है इसको सिलेक्ट कीजिए और खाली ट्रैक को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो ट्रैक है ये ट्रैक लेकिन अभी स्टीरियो के हिसाब से बज रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे जो स्टीरियो ट्रैक आपको मिल गया गिटार स्टीरियो, कम ज़्यादा कीजिए, आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेशन थोड़ा सा फॉलो था पहले से, तो ऑटोमेशन को मैं ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा कम कीजिए और गाने के साथ सुनिए। সুখে আবার হারালে ভুলে যাওয়া নামটা আমার আবার। তো ইস তরহ সে আপ কোই ভি মোনো ফাইল, জেসে কি দো মোনো ফাইলস হে তো উসকো লেকে আপ এক স্টিরিও ফাইল বানা সকতে হে। अगर आपके पास ऐसा कोई स्टीरियो फाइल है, मान लीजिए कि ऐसा आप स्टीरियो फाइल है इसको आप चाहते हैं कि मोनो फाइल करें, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इसको अगर आप मोनो फाइल कर देंगे तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करते हुए स्प्लिट इनटू मोनो, देखिए सिलेक्ट किया। और एक चीज़ मैं बोल गया था, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉन्सलेट कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट इनटू मोनो करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए स्प्लिट इनटू मोनो, तो ये दो जो स्टीरियो ट्रैक था ये मोनो में आ गया, ठीक है। अभी आपको किसी को अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से गेन बटन से इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कम किया इसको भी थोड़ा सा राइट चैनल जो है इसको थोड़ा सा कम किया, तो उसी हिसाब से लेकिन उन दोनों क्या होंगे, मिक्सडअप हो जाएंगे, मर्ज अप हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर दोनों फाइल आपको मिल गया तो आप इस तरह से कोई भी स्टीरियो फाइल को मोनोफाइल कर सकते हैं, और उसका जो लेफ्ट चैनल या राइट चैनल इन दोनों चैनल का लेवल भी आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, आपका मतलब आपका जो दिल कहता है उसी लेवल के हिसाब से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं पहले से ही, और टोन भी तो पहले से ही कर सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर से इसको अगर स्टीरियो फाइल करना है तो वही सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा, जैसे कि ये है, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, करने के बाद बिल्कुल इसको ऊपर आप चढ़ा भी सकते हैं, हो गया चढ़ा दिया, स्टीरियो फाइल बन गया। आप इसको प्लेबैक करें तो आपको देखिए सेम साउंड मिलेगा आपको, ठीक है। मुखे तो ये बहुत ही मतलब छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है। आप कर सकते हैं कोई भी मोनो फाइल को स्टीरियो फाइल बना सकते हैं, तो इस सिस्टम में आप कोई भी मोनो फाइल को आप डिटी करके स्टीरियो फाइल बना सकते हैं, और कोई भी स्टीरियो फाइल को आप मोनो फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करने के बाद उसमें अगर कुछ काम धाम करना है तो काम धाम करने के बाद फिर आप उसको स्टीरियो भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें लागू कीजिए, खास तौर पे ढोलक तबला या रिदम गिटार जब बजता है तो उसमें डीटी करने में बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अगर ऐसा चाहिए तो आप डीटी कर सकते हैं। जब भी आप डीटी करेंगे याद रखिएगा मिनिमम 30 मिलीसेकंड्स आपको, लेकिन पहला वाला जो टोन है उससे मतलब पहला वाला जो ऑडियो क्लिप है उससे मिनिमम 30 मिलीसेकंड्स दूरी होना चाहिए। तो इसमें आप क्या होगा, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको सुनाई देंगे, और स्टीरियो फील्ड एक पैदा होगा जिसके ज़रिए आप उसको अगर स्टीरियो फील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सुनने को अच्छा लगेगा। और ज़रूरी ये भी है कि दोनों जो सेम जो ऑडियो है दोनों ऑडियो को लेकिन मार्च करने से पहले थोड़ा सा अलग अलग EQ अलग अलग कंप्रेसर लगा के टोन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही आदमी दो टोन बजाया है, एक ही आदमी दो बार बजाया है, ठीक है, या आपने ड्यूटी किया है, तो थोड़ा सा चेंजेस के लिए आपको सब करना पड़ेगा। तो आप इस सिस्टम को जमाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्ते जी।